जहन में मामला आएगा, डेफिनेटली गंभीर मामला, इस पर विचार करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथी हेमराल जी, तोमर साहब, चुनाव के दौरान आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बातचीत हुई, और अब चुनाव खत्म हो गया, परिणाम आ गए, उसके बाद ये ज़रूरी था कि हम आप लोगों का भी, मीडिया ने भी इन चुनाव में, शिमला की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, मुझे मौका मिला धर्मशाला में, हमीरपुर में या देरा में आपके साथियों से बातचीत करने का, सबके सहयोग से, और प्रदेश की जनता खास तौर पे हिमाचल प्रदेश के जो मतदाता हैं इन क्षेत्रों में जहां पर ये बाई इलेक्शन था, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन सभी मतदाताओं का, आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया, एक अच्छा चुनाव संपन्न हुआ जिससे एक दिशा मिली, और जो लोग चुनेंगे उनको भी हम बधाई देते हैं कि विधानसभा के अंदर उनका पारी शुरू होगी, हम सभी को बधाई देते हैं। और साथ में जिन परिस्थितियों में लगातार हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, 18 महीने के कार्यकाल में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी पर और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार पर अपना विश्वास व्यक्त किया। ये अपने आप में हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग अनुभव था। पहली बार प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनी कि लोगों द्वारा चुनी गई लोकतंत्र की सरकार को गिराने के प्रयास धन बल के जरिए किए गए और एजेंसीज का मिसयूज़ करने का लोगों ने प्रयास किया, और सारी बातों को प्रदेश की जनता ने और मतदाताओं ने पूरे देश के लिए एक मैसेज सेट कर दिया कि ऐसे लोगों का, जिन लोगों ने चुनी हुई सरकार को अपने लोगों, जिसमें अपने भी लोग शामिल थे कांग्रेस पार्टी के साजिश में, उनका क्या हर्ष होना चाहिए, वो आप लोगों के सामने। आप देखें कि 9 में से तकरीबन 6 लोग जिनको विधानसभा में होना था 5 वर्ष के लिए, लोगों ने भेजा था, आज उनमें से 6 लोग विधानसभा नहीं पहुंच पाए। ये अपने आप में लोकतंत्र की बहुत बड़ी सुंदरता है। कई बार हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं कि असली ताकत लोकतंत्र में वोट के जरिए जनता के हाथ में है। जिन जनता ने, जिन मतदाताओं ने 18 महीने पहले आपको विधानसभा का पास दिया था, उन्हीं ने आज वो पास आपसे वापस छीना, तो आप देखिए कि लोकतंत्र की असली सुंदरता क्या है। कई बार कुछ लोग अहम में और अहंकार में इस बात को भूल जाते हैं कि लोकतंत्र क्या है। हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं ने लोकतंत्र को मजबूत किया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। देखिए, बार बार चुनाव होने की वजह से आप सभी जानते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बहुत समय खराब हो, तकरीबन 4 महीने का समय हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में चला गया, जिससे प्रदेश की जो विकास है, डेवलपमेंट है या विकास के कार्य है, वो निश्चित तौर पे प्रभावित हुए। अब इन चीज़ों से जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकले, फारिग हुए, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ, रिजल्ट्स आए हैं, उस दिल्ली गए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार जब ओथ लिए तो एक उनसे भी मिलना था, एक कर्ची कॉल भी थी, लेकिन उससे ऊपर प्रदेश के हितों को लेके प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। कल मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई और साफ तौर पे जो है प्रदेश हित से जुड़े हुए मुद्दे, और आप समझें कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी हैं कि हमें विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे काम हैं, ऐसी मदद है जो होने चाहिए, वो अच्छा उनको उसके लिए प्रधानमंत्री जी से आश्वासन मिला है, बड़ा पॉजिटिव मीटिंग रही है, और उनको उम्मीद है
हम सबको भी इस बात की उम्मीद है हिमाचल प्रदेश की जो मदद है वो भारत सरकार से होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो हमारे राइट्स भी बनते हैं, तो इन चीज़ों को लेके और मंत्रालयों में भी वो लगातार मिल रहे हैं। कल भी दो तीन सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात हुई और बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात हुई। उसमें भी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं सोलर ऊर्जा को लेके, पावर प्रोजेक्ट्स के जो थे उसको, सारी बातों को लेके एक कंसर्न मुख्यमंत्री जी के दिमाग में है कि हमें बड़ी तेज़ी से प्रदेश के विकास के लिए जो संसाधन की कमी है उसके लिए हम भारत सरकार के पास, हर मंत्रालय के पास जाके कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा सकें। ये एक सबसे बड़ा मकसद उनका जो है इस यात्रा का रहा। प्रयास हुआ, प्रयास फेल हो गया, जनता की अदालत में गया, जनता का फैसला आ गया। निश्चित तौर पे जहाँ भी हम गए लोगों में एक भावना थी कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश के लोग और जनता इस तरह की राजनीति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उस पर मोहर लगी। लोगों ने कोशिश की, बार बार तारीखें तय की कि यह सरकार 4 तारीख के बाद पहले राउंड में, दूसरे राउंड में फिर कहा कि यह सरकार गिरेगी, नहीं चलेगी। तो बड़ी परेशानी इस बात की थी कि ऐसा क्यों, क्या आप लोग लोकतंत्र के जरिए पहले नहीं रहे मुख्यमंत्री, आपकी सरकार नहीं रही, क्या कारण। वो भी लोकतंत्र था और हिमाचल प्रदेश की परंपरा रही कि जो लोग, जनता जिनको आदेश देती है वो सत्ता संभालते हैं और जिनको विपक्ष में बैठने का आदेश होता है वो बड़े सभ्यता के साथ उस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जनता का आदेश है, हम स्वीकार करते हैं। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश इसके लिए जाना जाता है। जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ ये अध्याय यहीं ख़त्म होना चाहिए। जो हमारे प्रदेश की एक अच्छी सोच है पूरे देश के अंदर, उसको हम मिलजुल के, चाहे हम विपक्ष में हैं चाहे सत्ता पक्ष में हैं, उसको दोबारा कायम रखें और इन चीज़ों से फ्यूचर के लिए बचें। जो लोगों का मैंडेट है कि हम अभी 3.5 साल हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में प्रदेश की सेवा करेगी, लोगों की सेवा करेंगे, जो एक मकसद था। और मुझे लगता है कि प्रदेश के लोगों में भी यही बात देखी गई कि लोग अभी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को समय मिलना चाहिए, उनको कुछ काम करने का जज्बा है। वो आम आदमी के लिए, लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, बागवान है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो युवा साथी है बेरोजगार, सबके लिए कुछ ना कुछ करने की मंशा थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में लगातार इन 18 महीने के कार्यकाल में हमको 3 आपदा से गुजरना पड़ा, लेकिन सबके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, चाहे वो आर्थिक आपदा थी, चाहे उसके बाद प्राकृतिक आपदा थी, चाहे राजनीतिक आपदा थी, तीनों आपदा को हमारी सरकार ने आप जनता के सहयोग से और आशीर्वाद से आज पास किया है। आज दोबारा से कांग्रेस पार्टी, जहां जनता ने 22 दिसंबर में 2022 में 40 एमएलए के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठने का हुक्म दिया था, आज दोबारा जनता के सहयोग से दोबारा कांग्रेस पार्टी 40 MLOs के साथ पूर्ण बहुमत के साथ, मुझे इस बात भी की खुशी है कि विपक्ष के नेता का मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से मीडिया से जब बात कर रहे हैं, अब उनका भी कि जयराम जी इस बात को समझ गए हैं कि हमें लोकतंत्र की जो है मर्यादाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने अब कोई डेट तय नहीं की है अगली डेट सरकार गिराने की, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जनता क्या चाहती है हिमाचल प्रदेश की, और ख़ास तौर पे जो है आपको जो है कोई डेट तय नहीं की है और आप आगे एक सकारात्मक विपक्ष का रोल हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मिलके सत्ता पक्ष के साथ करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। ये ठीक है कि अंदरूनी परिस्थितियाँ भाजपा के अंदर कुछ और है, वो जो राजनीति समझते हैं, मीडिया वाले लोग भी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, परिस्थितियाँ अंदर बदल रही है, लीडर्स हो गए हैं 3-4 लोग, उनके बीच क्या चल रहा है, और ये चीज़ें और भी गंभीर होने वाली है भाजपा के अंदर। जिस तरह से कुछ लोग, खास तौर पे मैं सुधीर शर्मा जी की बात करूं, तो वो एक महत्वाकांक्षा के तौर पे कांग्रेस पार्टी में मंत्री बनने के लिए जो डेस्परेशन थी, और उनकी वजह से कितने लोग आज बेचारे घर बैठ के हैं, जो चुनाव में अब विधानसभा में नहीं आ पाए। कुछ लोग उनकी बातों में आ गए,
और उन्होंने अपनी पार्टी को साजिश में शामिल हुए, अब वो लगता है कि जीतने के बाद काफ़ी उत्साहित है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, बार बार मीडिया में आके बहुत सारी चीज़ें फेंकने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उसका क्या आधार है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो नहीं है, केवल एक माहौल बनाने का प्रयास उन्होंने पिछले दिनों किया जीतने के बाद। मैं समझता हूँ काफ़ी उत्साहित हो गए, पर मैं इसको और भी आगे समझ रहा हूँ, ये जो संकेत है उनके, जो अब वो नहीं पूछते हैं, वो भाजपा के नेताओं को, जयराम जी को या बिंदल साहब को पूछ के ना दिल्ली जाते हैं, ना नड्डा जी से मिलते हैं, ना शाह साहब से मिलते हैं, तो इनसे पूछ के नहीं जाते हैं। अब वो सीधे एक लीडर हो चुके हैं भाजपा के अंदर। मैं एक संकेत दे रहा हूँ, अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि उनकी मंशा, जो कांग्रेस पार्टी में पूरे जीवन भर रहे, उनके पिता ने कांग्रेस पार्टी को कहाँ से पूरा अपना संघर्ष जो है कांग्रेस के साथ लगाया, कांग्रेस के साथ किया, उसके बाद जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, तो भाजपा वालों को भी मुझे लगता है कि अपने घर को समझने की ज़रूरत है कि इनकी अब आगे क्या महत्वाकांक्षा होने वाली। तो ये मैं एक इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप की जो वर्चस्व की जो लड़ाई भाजपा में है, उसमें एक और आदमी जो है शामिल हो चुका है। ये कुछ बातें थी जो हम आप